कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राजाधिराज योग सेंटर। लाखों की संख्या में बाबा नाम केवलम की मस्ती में झूमते लोग, कड़कड़ाते ठंड में साधना में लीन साधक। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच का यह नजारा साधारण नहीं हो सकता, और साधारण हो भी कैसे सकता है, क्योंकि ये लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं जहां आनंद की असीम अनुभूति है। दरअसल ये लोग इस विशाल धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने यहाँ आए हैं। यह सम्मेलन हर वर्ष 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा आनंद नगर में आयोजित किया जाता है। आनंद मार्ग की स्थापना श्री श्री आनंद मूर्ति प्रभात रंजन सरकार ने सन 1955 में की थी। आनंद मार्ग का अर्थ है भागवत धर्म, और भागवत धर्म मानव धर्म का ही रूप है। बाबा का निर्देश है कि हर आनंद मार्गी अपना कार्य करते हुए मानव कल्याण के लिए सचेष्ट रहे। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन मिशन विच इज मोस्ट सबलाइम, विच इज मोस्ट फ्रूटफुल, having no dogma, no superstition, but it is a flow of like Ganga. The very purpose of Anand Marg is salvation to self and service to suffering humanity. The humanity today is facing great crisis in psychic sphere, physical sphere, and also in spiritual. Baba has assigned us duty to serve the humanity, to translate his new humanistic theory into practice, and serve the people as Narayana. मानव कल्याण के लिए बाबा ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, और एक आदर्श नगर का उदाहरण देने के लिए श्री पीआर सरकार ने आनंद नगर की स्थापना की। यह नगर बोकारो से लगभग 25 किलोमीटर दूर पुंदाक के पास बसा है। वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ते समाज को आध्यात्मिक राह पर लाने के लिए बाबा ने धर्म महासम्मेलन आरंभ किया। हर वर्ष के अंत में लोग यहाँ आते हैं और नए वर्ष का स्वागत भजन कीर्तन के साथ करते हैं। आनंद मार्ग का धर्म सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित होता है। इसका आयोजन की शुरुआत मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा ही किया गया है, और 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी, यह जो 3 दिन का धर्म सम्मेलन है, यह पूर्व निर्धारित है और हम लोग हर साल करते हैं। धर्म महासम्मेलन यानी DMS में देश और दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं। सब एक साथ इस पंडाल के नीचे बैठते हैं और प्रभात संगीत से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। प्रभात संगीत मानवता को दी गई बाबा की अमूल्य निधि है। Thank you.
बाबा ने लगभग 5,018 गीतों की रचना की है और उनकी धुन का निर्धारण भी स्वयं ही किया है। प्रभात संगीत में भाषा सुर लय के नएपन और माधुर्य से लगता है मानो बाबा संगीतज्ञ नहीं संगीत थे। प्रभात संगीत के बाद स्वास्थ्यकारी नृत्य तांडव और कौशिकी किया जाता है। तांडव नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौशिकी नृत्य महिलाओं के लिए है और यह नृत्य 22 अलग अलग व्याधियों की औषधि है। तांडव ये बहुत ही पुराना नृत्य है और आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसे जन कल्याण के लिए व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इसे उन्होंने फिर से इंट्रोड्यूस किया है, फिर से उसको लागू किया है। कौशिकी विशेष रूप से महिलाओं के लिए दिया गया नृत्य है और 1978 साल में सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसका प्रतिपादन किया है। कौशिकी कोषों से रिलेटेड है, हमारे अस्तित्व में 5 कोष हैं, काममय, मनोमय, अतिमानस, विज्ञानमय, हिरण्यमय। तो कौशिकी एक ऐसा नृत्य है जो हमारे विभिन्न कोषों को एक्सरसाइज करता है और कौशिकी करने से हमारे जो कोष हैं वो विकसित होता है। इसके बाद पुरोधा प्रमुख दादा की ओर से स्वरूपानंद दादा डायस के पास खड़े होकर बाबा के जीवन से जुड़ा कोई प्रसंग सुनाते हैं। आप लोगों को देख करके मन में इतनी प्रसन्नता होती है तो आपसे एक आदेश लेकर के मैं आपका 2 मिनट में थोड़ा मनोरंजन करना चाहता हूँ। ये आध्यात्मिक मनोरंजन होगा। आप जानते हैं आनंद मार्ग संस्था बहुत छोटी अवस्था में थी जमालपुर में, धीरे धीरे यह संस्था का रूप पूरे विश्व में फैल गया। जब पहले पहले बाबा एक छोटे से दफ्तर में काम करते थे तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि ऑफिस का कुछ कागजात लेके हमारे घर में आ जाना। ऑफिस इतना छोटा था कि एक छोटे से थैले में ऑफिस चलता था, तो मैं उनके पास वो थैला लेकर के पहुंच गया। उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या काम है। मैंने कहा कि बाबा 2-3 चिट्ठियां हैं, उनका उत्तर देना है। चिट्ठियां बहुत विचित्र चिट्ठियां थीं। एक चिट्ठी में लिखा था, मेरे पुत्री की तबीयत कुछ खराब है, आप कुछ दवा बता दें। ये नहीं बताया तबीयत में क्या है, क्या खराबी है, क्या तकलीफ है। बाबा ने मुझसे कहा कि देखो मेरे पैर के अंगूठे को पकड़ो, फिर मैं बताता हूँ। मैंने उनके पैर के अंगूठे को जैसे पकड़ा तो बाबा कहते हैं कि देखो उसको सर्दी खांसी जुकाम है, ये दवा बता दो। दूसरी चिट्ठी थी, उसमें लिखा था कि मेरे घर में एक संतान का जन्म हुआ है, संतान लड़का है लड़की है कुछ नहीं बताया, पिता का क्या नाम किस दिन कुछ नहीं बताया, कहते हैं उसका नाम बता दो। बाबा कहते हैं ये दूसरा पागल है, मुझे पागल बना देगा। मैंने फिर उनके पैर को अंगूठा को पकड़ा तो बाबा कहते हैं कि देखो ये पुत्र है, अमुक दिन इसका जन्म हुआ, इसके पिताजी का ये नाम, माताजी का ये नाम। ये बातें खत्म हो गई तो बाबा ने कहा आप क्या करोगे, तुम तो चले जाओगे।
बाबा ने एक मुझे पत्रिका दी, मैं उसे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते बाबा को नींद आ गई। बाबा चश्मा पहनते थे, चश्मा को उतार करके हमने टेबल पर डाल दिया। तो बाबा की माता जी ने मुझसे कहा कि अरे बूबू तो सो गए, बाबा को प्यार से बूबू कहती थी कि वो तो सो गए हैं, तुम मेरे पास बैठ जाओ। मैं बीच बीच में देखता था कि बाबा जग गए कि नहीं। देखा बाबा जग के ऐसे ऐसे कुछ ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा बाबा चश्मा? तो बोले हाँ हाँ चश्मा। तो मैंने बाबा को चश्मा दिया तो कहते हैं तुमने बहुत खराब काम किया। हमने कहा बाबा क्या, आप सो रहे थे इसलिए मैंने चश्मे को हटा दिया? तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, जानते हो मेरी आंखें बहुत खराब है, मैं जब सो रहा था तुमने चश्मा तो हटा दिया, इतने अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे, चश्मा नहीं था, मैं एक भी सपना देख नहीं पाया। अब हम थोड़ा विषय पर आते हैं। आप बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, इसलिए इच्छा होती है कि आप यहां से बहुत खुश होकर के जाएं, बहुत आनंदित होकर के जाएं। इतने भक्तों का दर्शन हम लोगों को दुर्लभ है। आज का विषय यह है कि आनंद मार्ग की साधना की पद्धति। आप यह जानते हैं कि मूलतः जितने भी साधना पद्धतियां हैं वो मूलतः दो सिद्धांतों पर आधारित हैं। एक तंत्र का सिद्धांत है और एक योग का सिद्धांत है। दोनों सिद्धांत अति पौराणिक हैं। तंत्र का सिद्धांत बहुत ही पुराना है, योग का सिद्धांत थोड़े बाद काल में आया। दोनों में मौलिक अंतर है। तंत्र की जो साधना होती है उसके यंत्र हैं चक्र और कुंडलिनी। योग यह जुड़ा है कोशों से, जो पंच कोश हमारे हैं उन्हीं से जुड़ा है योग की साधना का सिद्धांत। योग की साधना जब हम करते हैं तब हमारा मन धीरे धीरे, जब हम मन मंत्र का जप करते हैं, इष्ट मंत्र का जप करते हैं, तो इष्ट मंत्र के जप के सहारे हमारा मन धीरे धीरे कोशों से ऊपर उठता जाता है। मनोमय कला अतिमानस बिंदु विज्ञानमय नाद हिरणमय पीठ, ये सब कोशों का स्थान है। तो ये कोश प्रस्फुटित होते जाते हैं और हमारा मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अपना जो मैपन है यह मैपन उस भूमा मैपन में मिल जाता है और अंततः मनुष्य की जो आंतरिक इच्छा है, जो वो चाहना है, जो वो चाहता है, उस स्थान तक, उस लेवल पर मनुष्य पहुंच जाता, उस स्तर पर मनुष्य साधक पहुंच जाते हैं। वह स्तर क्या है? वह स्तर है शुभ्र ज्योति के का स्तर, वह स्तर है वाइट इफल्जेंस का स्तर। उस स्तर पर, उस लेवल पर हर साधक पहुंच सकता है अगर उन्होंने ठीक से योग की साधना की। लेकिन इसके साथ साथ बाबा ने एक अपने प्रवचन में कहा है कि तंत्र की साधना से जो सुसुप्ता अवस्था में कुंडलनी पड़ी हुई है मूलाधार पीठ में, वहां से जैसे मंत्राघात होता है, मंत्र चैतन्य होता है, दीपनी शक्ति होती है और इसके सहारे हमारी कुंडलनी धीरे धीरे चक्रों को भेदता हुआ, भेदन करता हुआ ब्रह्म रंध्र हो करके वह पहुंच जाता है परम शिव के पास। और परम शिव के पास पहुंच करके वहां एक अवस्था है, जो बहुत ऊंचे स्तर की साधना करते हैं वह साधक ये जानते हैं कि वहां एक अवस्था है, वहां कुंडलनी पहुंच करके और
अमा कला में पहुंच करके अमृत का पान करती है। यह अवस्था है, बहुत आनंद का अवस्था है। कभी कभी बाबा अपने भक्तों को उस अवस्था में पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया करते थे, कुछ आशीष देते थे, आशीर्वाद देते थे, और भक्तगण उस अवस्था में पहुंच करके उसका रसा स्वादन करते थे। हम आप साधक जब साधना करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मन हमारा बहुत ही मस्त हो गया, किसी नशे में पड़ गया। यह नशा, यह जो अवस्था है मन की, यह है क्या? यह वह अवस्था है जब अमृत रस हमारे शास्त्रार्थ चक्र से उसका क्षरण होता है, उसका स्वाद भक्तों को मिलता है और भक्त उस रस में डूब जाते हैं, झूम जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि आपने साधना शुरू की, साधना आप कर रहे हैं, और साधना करते करते मन इतना रम गया, मन इतना झूम गया कि आप चाहते हैं कि क्षण भर के लिए भी उस अवस्था से आप इधर उधर न जाएं, मन हमारा नीचे न आवे। यह अवस्था है जबकि कुंडलनी का जागरण होता है। ऐसा कोई न समझे कि जो हम तंत्र शब्द का व्यवहार कहते हैं, यह तंत्र कोई ऐसी चीज है जिसमें शक्ति की उपासना की चीज हो, ऐसी बात नहीं। जन साधारण के लिए आपको यह बता दें कि तंत्र बहुत पौराणिक चीज तो है ही, यह बहुत ही मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पद्धति है। तंत्र शब्द का अर्थ होता है जो तम से, अंधकार से त्राण दिलाता है, वही तंत्र है। तम अंधकार है, उसे जो त्राण दिलाता है उसी को हम तंत्र कहते हैं। तो इस दोनों साधना पद्धति की अपने अपनी खूबियां हैं। आपने खूबियां तो सुन ली, अब यह है कि अगर कोई साधक केवल तंत्र की साधना ही करे, बाबा ने अपने एक प्रवचन में, एक आचार्य क्लास में कहा था कि केवल तंत्र की साधना करे तो उसमें बहुत जो विकास प्रगति होती है बहुत तीव्र होती है। तो हो सकता है कि साधक के मन में अहम भाव का जागरण हो जाए। इसी कारण से बाबा ने केवल तंत्र की साधना नहीं सिखलाई, योग की साधना को भी सिखलाया। इसलिए कि एक दूसरे को का संतुलन करता हुआ साधक को आगे बढ़ा दे, उस परम पुरुष की तरफ ले जाने में सक्षम हो। ऐसा लगता है मानो खुद बाबा हम सब के समीप हो। बाबा ने कहा भी था कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझे मेरे बच्चों से अलग नहीं कर सकती। मेरे बच्चे चाहे विनम्र हो या नटखट, मेरे अपने हैं। The education which Anand Marg is giving to students is a combination of physical education and spiritual education. Anand Marg says, without spiritual education, real education can't be given to students, because real development of personality cannot take place without a spiritual development, because the possibility of development in the spiritual life is much more than in the physical world and the psychic world. दरअसल DMS का उद्देश्य सभी आनंद मार्ग की साधकों को एक छत के नीचे लाकर समाज कल्याण की भावना को लोगों तक पहुंचाना है। यही वजह है कि EMERGE यानी आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम नए वर्ष पर अपने दान कार्यों में लगी थी। आनंद मार्ग के कई स्टॉल पंडाल के बाहर लगे थे, जहां बाबा का साहित्य और उनके गीतों का ऑडियो वीडियो कैसेट्स व CDs उपलब्ध थी। दुनिया की अलग अलग सभ्यता और संस्कृति से जुड़े ये लोग यहां आकर इस विशाल परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। आनंद मार्ग का यह परिवार, जिसका स्वरूप तो बड़ा है लेकिन इसकी आत्मा एक है।
My name is Kailash. I'm from Brazil, and I've been in it for 1 month, and I've been a Marga for 2 years. What drew me to Ananda Marga was the unique type of sadhana and meditation practice they teach. I've practiced many types of yogas and meditations before Ananda Marga, but there are some unique things in Ananda Marga which I haven't found in any other type of philosophy and organization. And in a world dominated by materialism, stress, disease, I think people should try to look within themselves and try to look for spirituality. The Ananda Marga preached that you have to do sadhana, meditation, but also service to humanity. Some people, they do sadhana meditation and they don't do service to the other people, and that's a bit selfish. So I think you should keep a balance, doing meditation but also doing service to humanity. And that's one of the special features that draw me to Ananda Marga. सामाजिक कुरीतियों को दूर करना आनंद मार्ग का प्रमुख उद्देश्य है और उसी का उदाहरण है आनंद मार्गी विवाह, जिसमें न तो जाति देखी जाती है न ही आर्थिक स्थिति। जातिवाद और पूंजीवाद की दीवारों से परे आनंद मार्गी विवाह आत्मा के मिलन के अर्थ को सार्थक करते हैं। आगे चलकर इनका परिवार स्वस्थ मानसिकता का प्रतीक होगा, क्योंकि इनके बच्चे आध्यात्मिक मूल्यों पर चलने वाले होंगे और एक अच्छा परिवार स्वस्थ समाज की मजबूत आधारशिला है। मेरा नाम ताप्ती हुआ, हम पटना से आए हैं और हमारे पिताजी आचार्य थे आनंद मार्ग के, आचार्य देवीचंद शर्मा। हम लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया है और हमारे घर में जितने परिवार हैं सबकी शादी अंतरजातीय विवाह से हुई है। हम लोग अपने मार्गी पद्धति से विवाह में हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ हमेशा आना पसंद करते हैं। DMS का ही अंग है सांस्कृतिक कार्यक्रम। दूर दूर से कलाकार यहाँ आए और किसी ने गायन तो किसी ने वादन तो किसी ने नृत्य से उस परमपिता के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति की।
चंदन चर्चित कौस्तुभ निंदित चंदन चर्चित कौस्तुभ निंदित। प्रभात संगीत की धुनों पर थिरकते कदम जब स्टेज पर पड़ते थे तो लगता था मानो सारा ब्रह्मांड आनंद मार्ग के भव्य स्वागत के लिए खड़ा हो गया हो। मुंबई चिल्ड्रंस होम के बच्चों ने बाबा की लिखी अमर कृति नील सरोवर का स्वर्ण कमल का बहुत ही सजीव मंचन किया। इस नाटक का निर्देशन किया श्री ललित परिमू ने। इस तरह आनंद की असीम अनुभूति देकर यह कार्यक्रम समाप्त हो गया और मन में अगले डीएमएस में आने की इच्छा लेकर हर आनंद मार्गी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। बाबा ने कहा था, एक साथ चलने का संकल्प लेकर जो लोग एकत्रित हुए हैं, राह के कांटे उन्हें बांध नहीं सकते। हे मानव, आगे बढ़ते जाओ, प्रगति के गीत ही तुम्हारी एकमात्र भाषा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजाधिराज योग सेंटर, 6A मैरी ब्लेसिंग सोसाइटी, सीजर रोड, अम्बोली, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। फॉर योगा क्लासेस प्लीज कॉन्टैक्ट 2677-1508, मोबाइल नंबर 9820094808।